तुम लोग क्या बात कर रहे हो, बहुपद के शून्यांक। अब बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं मैडम? जो हमारा बहुपद होता है उसमें क्या राशि की ऐसी वैल्यू जो क्यूब पूरे बहुपद को जीरो कर, क्या बना दें मैडम? जीरो बना। चरराशि का वह मान जो बहुपद को जीरो बना दे वो उसका शून्य कहलाता, शून्यांक कहलाता, जीरो कहलाता। समझ रहे बात? जैसे अगर हमारे पास एक बहुपद है एक्स माइनस वन, तो बेटा हम ये चरराशि इसीलिए क्या डाल देंगे, पूरी जीरो बन जाए, क्या डाल दें इसलिए पर वन इस बराबर के बेटा हम वन पूर कर दें यहाँ पर, तुम्हारा क्या आ जाएगा, वन डालोगे जीरो आ जाएगा, आ गया जीरो आ गया। तो हम कहेंगे कि जो जो वन है बेटा वन इस बहुपद का एक शून्यांक, इस बहुपद का एक शून्यांक, शून्यांक मतलब जीरोज है, इसका क्या है शून्यांक। तो हमें समझना है जो रैखिक बहुपद होता है एक घात वाला बहुपद होता है इसका एक ही मान शून्यांक होता है, द्वि घात वाला होगा तो उसके दो शून्यांक, तीन घात वाला होगा तो उसके ऐसी चीजें बेटा हमारी किताबों में तो हमें कम लिखी मिल पाती है, लेकिन ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी भी कोई बहुपद दे दिया कहेंगे इस बहुपद के शून्यांकों की संख्या होगी, तो आप उसकी घात पता करो, दो घात का दो होगी, तीन घात का तीन शून्यांक होंगे। चलिए और बेटा कभी कभी क्या होता है, हाँ एक चीज और हम अभी की और कह रहे थे कि ये तो हमारा बड़ा आसान था, हमने देख के बता दिया कि इसका शून्यांक। कभी कभी हमारे पास बहुपद है, द्विघात का बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसके अगर हमसे शून्यांक पूछे जाना तो हम कैसे शून्यांक निकालेंगे? कभी कभी चेक करना होता है कि भैया